भाई मैक्सिको से गिरफ्तारी हुई है दीपक बॉक्सर की, उसे दिल्ली लाया गया है और एक बड़ी कामयाबी दिल्ली स्पेशल सेल के लिए संयुक्त रूप से क्राइम ब्रांच की टीम के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जो सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। एक बड़ी कामयाबी इसलिए भी क्योंकि सात समंदर पार पहली बार इतना बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली लाया गया लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर दीपक बॉक्सर, मैक्सिको से दिल्ली दीपक बॉक्सर को लाया गया है। मैक्सिको से उसे गिरफ्तार किया गया था, एफबीआई की मदद से ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने इंटरपोल की मदद से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को पकड़ा है जो कि 3 लाख का इनामी है। दिल्ली लाया गया है लॉरेंस गैंग का गैंगस्टर और ये गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन है। गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। सात समंदर पार बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी का आदेश एमएचए की ओर से दिया गया था। मैक्सिको से भारत लाई है दिल्ली पुलिस, 10 मामलों में ये वांटेड चल रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये मुख्य हिस्सा है। गोगी की हत्या के बाद से गिरोह को संभाल रहा था। बड़ी कामयाबी है ये टीम के लिए। अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मदद से दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पंजाब राजस्थान में गैंग को मैक्सिको में बैठकर ऑपरेट कर रहा था, हालांकि कई देशों में ये भागा। फर्जी पासपोर्ट बनाकर रफू चक्कर हुआ था दीपक बॉक्सर, जिसे पकड़ा गया है। मैक्सिको से दीपक बॉक्सर को दिल्ली लाया गया है। मैक्सिको से इसे गिरफ्तार किया गया था। पहली बार सात समंदर पार ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की है। संयुक्त रूप से क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। यूपी के पते से उसने अपना फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। इस मामले में सिपाही को भी निलंबित किया गया था। दीपक ने अपना नाम रवि अंतिल बताया था। जावेद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जावेद, किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, टीम बधाई की पात्र है, लेकिन गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने के लिए ये जो ऑपरेशन की शुरुआत की गई है, इसे कितना महत्वपूर्ण कदम माना जाए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये प्रमुख हिस्सा था और लगातार मैक्सिको से ही ये दिल्ली पंजाब राजस्थान में पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली पुलिस के इतिहास में कि सात समुंदर पार किसी गैंगस्टर यानी कि नामी गैंगस्टर जो कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस के साथ दूसरे स्टेट की पुलिस के लिए भी एक सरदर्द बना हुआ था। ये मैक्सिको और दूसरे कंट्री में बैठकर ये एक्सटॉर्शन वहां से मांगता था और इसके जो शार्प शूटर थे, जो इसके गैंग के थे, ये गोगी गैंग को ऑपरेट कर रहा था। और लॉरेंस बिश्नोई जो कि इस वक्त सबसे बड़ा गैंगस्टर है, जो जिसे पंजाब पुलिस से लेकर राजस्थान पुलिस के हिटलिस्ट में है, तो लॉरेंस बिश्नोई और यहां तक कि गोल्डी बरार के भी टच में था दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये मान रही है कि उसके जरिए दिल्ली पुलिस अब उन 2-3 गैंगस्टर तक पहुंच सकती है, जो खुद अभी कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी SGS धालीवाल ने बताया कि दीपक बॉक्सर के साथ कुछ ऐसे और गैंगस्टर जिन तक दिल्ली पुलिस को पहुंचना है, जो दिल्ली के अलावा NCR के लिए भी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब के लिए सरदर्द बने हुए। हम आपको बता दें कि ये जो शुरुआत है गृह मंत्रालय की जो एक खास पहल थी, जिसमें से इन तरह के गैंगस्टर्स की एक लिस्ट बनाई गई है, जो कि दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल के साथ एक जॉइंट जो जानकारी है कि उनके साथ मीटिंग हुई थी, उसमें करीब 28 से ज्यादा वैसी लिस्ट दी गई उन गैंगस्टर्स की जो देश के बाहर रहकर जो देश में क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं और साथ ही वहां से देश के बाहर बैठ के एक्सटॉर्शन, हत्या और जो दूसरे गैंगस्टर्स हैं, जो लगातार जो गैंगवार हो रहा है, वो वहां पर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे में होम मिनिस्ट्री ने दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक की थी, जहां पर एक लिस्ट दी गई थी और दीपक बॉक्सर उसमें सबसे पहला नाम था। दीपक बॉक्सर वो एक गैंगस्टर है जो कि दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गोगी गैंग, जो कि उस वक्त दिल्ली पुलिस का सबसे नामी गैंगस्टर था, जिसके ऊपर तकरीबन 7 लाख का इनाम था। हालांकि दीपक बॉक्सर पे 3 लाख का इनाम रखा गया था और इसके खिलाफ, दीपक बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया था। और आज जब वो पहुंचा है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो तमाम टीम है, जो मैक्सिको गई थी और मैक्सिको के अलावा सेल की कुछ टीम जो गल्फ कंट्रीज में, मतलब मिडिल ईस्ट में भी गई थी, क्योंकि ये बताया गया कि दुबई के जरिए, यानी कि इसने पहले बरेली में एक फर्जी पासपोर्ट के जरिए कलकत्ता जाता है, कलकत्ता के बाद ये फिर वहां से दुबई, और दुबई के बाद वो
अदर कंट्रीज होते हुए फिर वो पहुंचता है मैक्सिको, मैक्सिको के बाद ये अमेरिका जाना चाहता था और वहां से फिर वो किसी तरीके से गैंग को, क्योंकि अमेरिका में जिस जगह पर ये जाना चाह रहा था वहां पे कई ऐसे ड्रग्स माफिया है जिसके संपर्क में ये आना चाहता था और ये वहीं से बैठ के गोल्डी बरार की तरह ये अपने गैंग को ऑपरेट करना चाहता था। क्योंकि गोगी गैंग की जो हत्या है जितेंद्र गोगी, उसकी रोहिणी कोर्ट में हत्या कर दी गई थी वकील के ड्रेस में जो बदमाश पहुंचे थे, हालांकि वहां पर इनकाउंटर में उन बदमाशों को मार गिराया गया था। उसके बाद से ये गोगी गैंग को ऑपरेट कर रहा था और मैं आपको बता दूं कि अमित गुप्ता नाम का एक व्यवसायी था जिसपे दीपक को, दीपक बॉक्सर को यह शक था कि यह टिल्लू गैंग के लिए वो मुखबिरी कर रहा था जिसमें फज्जा को मारा गया था। फज्जा वो क्रिमिनल है जिसको दीपक बॉक्सर ने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से पुलिस कस्टडी से छुड़ाया था और जितेंद्र गोगी को दीपक बॉक्सर ने हरियाणा में हरियाणा पुलिस की कस्टडी से वहां से छुड़ाकर और गोली, यहां तक कि पुलिस में फायरिंग भी की गई थी, वहां से वो फरार हो गया था। उसके बाद से दीपक बॉक्सर 2023 में जनवरी के वक्त ही बताया गया कि वहां से इंडिया से वो फरार हो गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करीब 8 महीने से इस इनपुट पे काम कर रही है, एक एक इनपुट को जोड़ रही है। ये भी बताया दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कि जो दीपक बॉक्सर उसका एक कजन है जो कैलिफोर्निया में, वो इसकी मदद कर रहा था। तो ऐसे में कुछ लोग हैं जो बाहर बैठे हुए इसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई जो कहीं ना कहीं दीपक बॉक्सर उसके टच में था और उसके गैंग से भी बिल्कुल एसोसिएट था, तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई का एक जो दिल्ली का नेटवर्क है, जो दिल्ली का एक्सेस है, जो उत्तर प्रदेश का नेटवर्क है, जो नॉर्थ का है, वो कहीं ना कहीं टूटा है। ऐसे में जो स्पेशल सेल के जो स्पेशल सीपी, उन्होंने कहा है कि दीपक बॉक्सर के अलावा 3 और ऐसे नाम हैं जो जल्द जो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में होंगे और उस पर अब दिल्ली पुलिस की इनपुट काम करेगी, क्योंकि दीपक बॉक्सर के लिए किस तरीके से गैंगस्टर आसानी से भागने में कामयाब हो जाते हैं, विदेश की धरती पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अब ये रास्ता भी बंद होगा क्योंकि गैंगस्टर्स को समझ में आएगा कि अगर विदेश की धरती पर जाकर सात समुद्र पार जाकर इतनी बड़ी कार्रवाई की जा सकती है तो जो और भी गैंगस्टर बाहर छुपे हुए हैं या जो जाने की फिराक में बैठे हैं उन्हें भी बहुत बड़ा झटका लगा है। जी देखिए, बिल्कुल, अब जो गैंगस्टर्स हैं, अगर आप देखें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपको अमृतपाल की, तो लगातार बात आ रही थी कि अमृतपाल नेपाल के रास्ते दूसरे इंडिया में, नेपाल के रास्ते वो बाहर जा सकता है या पहुंच चुका है, लेकिन अभी फिलहाल अमृतपाल इंडिया में ही है। ठीक उसी तरीके से जो गैंगस्टर है ये उन स्टेट को टारगेट करते हैं जिस स्टेट से ये इजिली नेपाल पहुंच सके या दूसरे कंट्री में पहुंच सके और उसके बाद वहां से वो दूसरे कंट्री तक पहुंचते हैं। ये हालांकि फेलियर है, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच भी, हालांकि क्राइम ब्रांच और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया खुद स्पेशल सीपी धालीवाल ने कि वो भी इन पे काम कर रही। तो देखिए, आज के डेट में जो वांटेड क्रिमिनल है वो कहीं ना कहीं कुछ अपने नेक्सस और कुछ अपने सपोर्टिव, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनको सपोर्ट मिलता है जिस तरीके से फर्जी पासपोर्ट वो बनाकर बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में कई इंडिया के स्टेट्स हैं जहां के वो बॉर्डर क्रॉस करके इजिली बाहर पहुंच जाते हैं। अगर कोई क्रिमिनल नेपाल पहुंच जाता है तो नेपाल से उसके लिए दुबई या दुबई से दूसरे कंट्री में जाना बहुत ईजी है। तो इसी तरीके से कैलकाटा का इसने रास्ता लिया, क्योंकि कैलकाटा के रास्ते से इसे लगा, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इसको लगा कि वो कैलकाटा के जरिए वो इजिली इंडिया क्रॉस कर सकता है। हो सकता है कि वो कोलकाता से वो उसने समुद्र का रास्ता भी लिया होगा उसने, क्योंकि ये अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है जो उनका कहना है कि अभी दीपक बॉक्सकर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि पटियाला हाउस कोर्ट में आज पेश कर सकते हैं लंच के बाद, उसके बाद स्पेशल सेल जो है वो दीपक बॉक्सकर की जो है वो कस्टडी लेगी, पुलिस रिमांड लेगी और रिमांड के बाद कई ऐसे फैक्ट्स है जो सामने आएंगे कि आखिर वो जो इसका नेक्सस है, इस नेक्सस में उसके साथ कौन कौन लोग थे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार जो कि कनाडा में बैठा है वो दीपक बॉक्सर की यहां से भागने में उसने मदद की थी। तो इस तरीके से दीपक बॉक्सर के जरिए पुलिस जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के उन नेक्सस तक, उन जो एक्टिव जो लोग हैं उनके वहां तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी, जिससे कि एक बड़ा जो क्रिमिनल्स के जो जो एक कहीं ना कहीं एक नेटवर्क है उसको तोड़ने में बड़ा इजी रहेगा। जी बिल्कुल जावेद, ये भी बताइए कि कार्रवाई का आगे प्रोसीजर क्या होने वाला है, क्योंकि 10 संगीन मामले हैं जो बीते 5 साल में इसके खिलाफ दर्ज हुए हैं, 3 लाख का इनाम इस पर घोषित है। देखिए, इसके ऊपर 10 है, एक साल में उसने 10 ऐसे हीनियस क्राइम है जिसमें एक्सटॉर्शन, अटेम्प्ट टू मर्डर, गैंग वॉर और मर्डर, यहां तक कि उसने किलिंग भी उसने किया है, कॉन्ट्रैक्ट लेकर करवाया। तो ऐसे में जो
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सबसे पहले जो अभी उन्होंने बताया कि वो दीपक बॉक्सर का वो वहां पे दिल्ली में कोर्ट में पेश करेंगे, वहां से रिमांड लेंगे और रिमांड के बाद दीपक बॉक्सर जब इंडिया से किस तरीके से भागा, कैसे कैसे नेटवर्क थे, उसके नेटवर्किंग क्या थे और दिल्ली और पंजाब यानी कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार क्या, क्योंकि कनाडा में गोल्डी बरार बैठा है और ये मैक्सिको तक पहुंच गया था और ये यूएस जाना चाह रहा था लेकिन एफबीआई और इंटरपोल की मदद से और सबसे बड़ी बात है कि देश के गृह मंत्रालय के इंटरफेयर के बाद से और दिल्ली पुलिस को एक बेहद सपोर्ट मिला जिससे कि दीपक बॉक्सर नाम का ये जो नामी गैंगस्टर है इसको गिरफ्तार किया गया है। इस पर 3 लाख का इनाम था। दिल्ली पुलिस ये मानती है कि अगर ये बीते कुछ दिनों में अगर ये गिरफ्त में नहीं आता तो ये जितेंद्र गोगी या लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक अपना बड़ा नेक्सस ये खड़ा कर सकता था। हालांकि इसके अभी कई ऐसे शूटर्स हैं जो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर, जिस तरीके से दिल्ली के एक बिजनेसमैन को बुराड़ी में दीपक बॉक्सर ने मरवाया, तो ऐसे में कई ऐसे जो शार्प शूटर हैं जो दीपक बॉक्सर के लिए काम करते हैं। तो अब दिल्ली पुलिस के पास जिस तरह से लिस्ट है दीपक बॉक्सर को जब वो रिमांड में लेंगे उसके बाद जो चीजें हैं किस तरीके से इसका जो एक बिल्कुल जावेद और इस बात का भी खुलासा होगा पूछताछ के बाद कि आखिर फाइनेंशियल सपोर्ट किस तरह से मिल रहा था और ये जो गैंगस्टर बाहर भाग जाते हैं विदेश में रहकर ये हमारे देश में कैसे अपने गैंग को ऑपरेट करते हैं, चाहे वो गोल्डी बराड़ ही क्यों ना हो वो भी लगातार सक्रिय है, अपने गैंग को यही वहां पर बैठकर चला रहा है, कनाडा में छुपा हुआ है। और अब क्योंकि बात हो रही है दीपक बॉक्सर की, ये बड़ी कामयाबी है, मैक्सिको से गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब पूरे नेक्सस को भी क्या एक्सपोज किया जाएगा, क्या और भी ऐसे कई गैंगस्टर हैं जो रडार पर हैं? जी देखिए दिल्ली पुलिस कि जो अभी हमारी बात हुई डीसीपी एडिशनल सीपी थे यहाँ पर, दूसरे सीनियर अधिकारी थे, खुद स्पेशल सीपी यहाँ पर सुबह में पहुंचे थे, तो उनका कहना है कि अभी फिलहाल दिल्ली और एनसीआर में वैसे टॉप के गैंगस्टर नहीं है जो दिल्ली के हिट लिस्ट में है, लेकिन दीपक बॉक्सर के अलावा उन्होंने कुछ नाम बताए, 2 या 3 ऐसे लिस्ट उन्होंने बताई कि 2-3 ऐसे गैंगस्टर हैं जो अब दिल्ली पुलिस उस नेटवर्क पे काम करेगी, उनके इनपुट को तोड़ेगी, यानी कि कहीं ना कहीं जो दीपक बॉक्सर का एक नेक्सस है जो गोल्डी बरार और जो लॉरेंस बिश्नोई है, फिर गोगी गैंग जो कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, दिल्ली के टॉप हिट लिस्ट में था जितेंद्र गोगी, जिसे 2021 में रोहिणी कोर्ट में मार दिया गया, जिसपे टिल्लू गैंग का शक गया कि टिल्लू गैंग के जो शूटर थे उसने जितेंद्र गोगी को मारा। तो जितेंद्र गोगी का एक नेक्सस जो हम आपको बता दें कि दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहां तक जितेंद्र गोगी का एक पूरा नेक्सस बैठा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब इतने स्टेट्स में, मतलब 5 से 6 स्टेट में किसी गैंगस्टर का नेक्सस बना हुआ है, तो ऐसे में अब दीपक बॉक्सर उस गैंग को ऑपरेट कर रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो विदेश में बैठ के इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था, वहां से एक्सटॉर्शन मांग रहा था, वहां से वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का अपने शार्प शूटर को दे रहा था। तो ऐसे में एक नेक्सस बहुत बड़ा है। तो दिल्ली पुलिस के लिए अब सबसे जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो गोल्डी जो दीपक बॉक्सर है उसको कस्टडी में लेने के बाद, यानी कि कोर्ट से रिमांड लेने के बाद, वो एक लंबे समय का तकरीबन वो जिस तरह से बता रहे हैं कि जिस तरह से दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से गिरफ्तार किया गया है, तो ऐसे में उसके पास कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे जवाब हैं जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल तलाशेगी। ये भी है कि हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी दीपक बॉक्सर से इन्वेस्टिगेट कर सकती है, वो उससे भी अपने कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि कुछ जो मामले हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी इसको इस मामले को देख रही है, कई ऐसे जो क्राइम के मामले हैं दीपक बॉक्सर, जितेंद्र गोगी, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, वो मारा जा चुका, लॉरेंस बिश्नोई है, कई और ऐसे गैंगस्टर हैं जो लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्ट हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच भी हाल में ही कुछ दिनों में दीपक बॉक्सर को अपने स्टडी में लेके पूछताछ कर सकती है, लेकिन अभी जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो उन नेक्सस को जानना चाहती जो दीपक बॉक्सर के लिए बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। जावेद उम्मीद करते हैं कि दीपक बॉक्सर के जरिए पूरे नेक्सस का खुलासा होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको सुनवा देते हैं कि जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मैक्सिको से वापस लौटी है, जो टीम वहां पर ऑपरेशन करने के बाद वापस लौटी है, उनका क्या कहना है, किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, सुनिए। देखिए इस टाइम जिनको हम बहुत एक्टिवली फेस कर रहे हैं, कोई ऐसा बड़ा गैंगस्टर तो एनसीआर में नहीं है, दीपक बॉक्सर ही था। बाकी 2-3 लोग और हैं जिनका सूचना आई है कि वो बाहर निकल गए हैं पिछले कुछ महीनों में, लेकिन ये चीज़ें कोरोबोरेटेड नहीं है।
अच्छा सर, आखिर साल दीपक के बाद ये है कि इन्वेस्टिगेशन में कि और कुछ बड़े नाम गैंगस्टर्स के आ सकते हैं या कुछ बड़ा जो ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे एनसीआर और बाकी पंजाब से, तो कनेक्शन भी कहीं ना कहीं आ सकता है सामने? अभी तो कितने दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड रहेगा, एनजीएस का भी रिमांड हुआ है, पुलिस कस्टडी रिमांड सर, एलओसी भी इसके लिए सर्कुलर भी नोटिस, एलओसी ये